मोहतरम उमर कुरैशी सर, हाफिज खलील साहब, शेख रशीद साहब और मंच पे फरमा सभी हमारे बिरादरी के सभी जिम्मेदार, इस वार्ड के दोनों ही कारपोरेटर मुल्ला साहब, सतीश भाई, फारूक कुरैशी साहब, दोस्तों और साथियों, अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है, आज हम सब लोगों की मौजूदगी में मालेगांव शहर में एक नया कब्रिस्तान चार दीवारी का संग बुनियाद की तकरीर में हम मौजूद हैं। ये मुजाफात का जो इलाका है, ये शहर का बिल्कुल सबसे ज्यादा मुजाफात का इलाका, सर्वे नंबर 107 का डेवलपमेंट प्लान में ये जमीन रिजर्वेशन थी कब्रिस्तान के लिए, और 2012 से पहले ये किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि ये कब्रिस्तान शुरू किया जाना चाहिए, ये जमीन को खरीदा जाना चाहिए। तायरा शेख रशीद साहिबा 2012 के अंदर मेयर बनाए गए और शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में उस वक्त की बॉडी के अंदर फरीद कुरैशी साहब और हमारे सभी साथियों ने मिलकर हम लोगों ने बाकायदा इस जमीन को खरीदने की पहली प्रोसीजर शुरू की, पहला ठहराव हमने पास किया 2012 में, और ये 7 एकड़ जमीन के अंदर सबसे अहम बात यह है कि जमीन देने वालों के अंदर कुरैश बिरादरी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है। अहमद हाजी ने जिस वक्त ये शुरुआत की गई उस वक्त तो मैं खुद अहमद हाजी साहब के पास गया, उनसे कहा कि आपकी जमीन है और यहां पर कब्रिस्तान हमको शुरू करना है, तो उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए बिल्कुल एक ही लफ्जों के अंदर कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूं। अलीम भाई यहां पर है, अलीम भाई की भी यहां जमीन है, इसमें जमीन थी, अलीम भाई के पास भी गए, उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी हम लोगों को जमीन देने के लिए हामी भरी। शहीद टाडा साहब की भी जमीन इसमें है और शहीद टाडा साहब ने भी ये जमीन देने के लिए हामी भरी, और हम ये चाहते थे कि और भी यहां पर 2.5 एकड़ जमीन रिजर्वेशन है, हम लोग ये चाहते थे कि 2.5 एकड़ जमीन और भी इसके अंदर रिजर्वेशन है जो हम यहां बैठे इसके इतराफ की, लेकिन कुरैश बिरादरी के अलावा कोई दूसरे शख्स की थी, मैं उनके पास भी गया और उनसे भी मैंने बहुत गुजारिश की कि आप गवर्नमेंट रेट के अंदर आप ये जमीन म्यूनिसिपल कारपोरेशन को दे दो, यहां एक बड़ा कब्रिस्तान हो जाएगा और इस इलाके के अंदर जो जरूरत है, मालेगांव शहर की जो आबादी इस जानी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो शहर की आवाम को कब्रिस्तान की जरूरत और इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया। हम लोगों ने यही 7 एकड़ जमीन जो कुरैश बिरादरी ने जो हामी भरी, और बाकायदा खास बात यह रही कि कोई उसके अंदर कमेंडमेंट नहीं किया गया, इन्हें नेगोशिएशन या कोई सौदाबाजी नहीं की गई, गवर्नमेंट के रेट के अंदर सभी लोगों ने हामी भरी। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से मैं इन तीनों हजरात जिन लोगों ने जमीन वक्फ किया गवर्नमेंट रेट के अंदर कारपोरेशन को दिया, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद यह प्रोसीजर हमारा आगे बढ़ता गया, हम लोगों ने कई किस्तों के अंदर ये पैसा अदा किया, और आखिर में 2014 में कारपोरेशन का हमारा इक्तदार चला गया और ये काम पेंडिंग हो गया था। शेख रशीद साहब अल्लाह का करम है दोबारा बने, फिर हमने दोबारा इसकी शुरुआत को आगे बढ़ाया और मुकम्मल पैसा अदा किया, और आज अल्लाह का एहसान है कि शेख रशीद साहब के ही दौर में, शेख रशीद साहब से जब हमने ये कहा कि ये 7 एकड़ के ऊपर वॉल कंपाउंड की जरूरत है, यहाँ पर जनाजा हॉल बनाने की जरूरत है, यहाँ पर ये जो रास्ता मेन वाला रास्ता मोती हाई स्कूल तक बनाने की जरूरत है,
शेख रशीद साहब ने अपना मेयर फंड 1,10,00,000 रुपये से बाकायदा ये चार दीवारी बनाई जा रही है उसका संगे बुनियाद, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जनाजा हॉल भी आरसीसी का जनाजा हॉल भी बनाया जा रहा है उसका संगे बुनियाद रखने के लिए आज हम लोग सब जमा हुए हैं। और उसके बाद अलग से 50,00,000 रुपया शेख रशीद साहब ने अपने मेयर फंड से दिया, यहां से लेकर इस गेट से लेकर जब कब्रस्तान की चार दीवारी होगी तो गेट से लेकर बाकायदा मोती हाई स्कूल तक, मोती प्राइमरी हाई स्कूल तक बाकायदा इसका रास्ता बनेगा ताकि मैयत को दुश्वारियां ना हो आने के लिए। ये अहम आज तारीखी दिन और अशूरे का दिन मुबारक दिन के मौके के ऊपर आज ये संगे बुनियाद रखा जा रहा है। दूसरी अहम बात है कि मस्जिद जब तामीर की जाएगी, जब भी आप लोगों का मशवरा होगा तो उसके लिए आप लोगों को पैसा अदा करना होगा अपने जेब से, क्योंकि मस्जिद शरीयत के मुताबिक मस्जिद की जमीन किसी दूसरी जमीन के ऊपर यानी किसी दूसरे के नाम पर है उसके ऊपर नई नमाज अदा होती है। इसके लिए जनाजा हॉल के बाजू में जो मस्जिद तामीर होगी वो आपको करना होगी, और जो जमीन आपको खरीदना होगा कॉरपोरेशन से, इसी जमीन के अंदर से आपको खरीदना होगा, उसका पैसा भी आपको बाकायदा अदा करना होगा। जैसे आयशा नगर कब्रस्तान का जो मस्जिद का जिस तरीके से हम लोगों ने किया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम लोग वो भी आपको जमीन खरीदी आप करके आपको दे दिया जाएगा, और उसके भी काम की शुरुआत इंशाल्लाह आप लोगों की मौजूदगी में की जाएगी। सवाल ये पैदा हो रहा था कि कई लोगों की डिमांड्स थी कब्रस्तान की, लेकिन अलग अलग लोगों की डिमांड थी, अलग अलग तंजीमों की डिमांड थी, लेकिन मसला हमारे सामने ये था कि अगर किसी एक तंजीम को देते दूसरी तंजीम नाराज होती, किसी तीसरी तंजीम को देते दूसरी तंजीम नाराज होती, ये बात आज हमारे सामने थी। और जिम्मेदारान का फिर ये डिमांड आया कि यार जमीन बिरादरी के लोगों ने दी कम कीमत में दी तो ये हम लोग ही संभाल लेंगे, तो ये बेहतर रास्ता समझ में आया कि भाई इसके अंदर कोई तनाजा नहीं हो सकता, और इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा तजवीज हम लोगों ने एजेंडे के ऊपर लाई और उसको एक राय से बाकायदा मंजूरी मिली और एक राय से ठहराव पास हुआ कि ये आपकी कुरैश बिरादरी की सोसाइटी को ये दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने वो ठहराव के अंदर एक वाजे तौर पर ये बिल्कुल साफ तौर पर लिख दिया है, बिल्कुल साफ तौर पर कि यहां पर सभी मसलक के लोगों को इजाजत होगी। उसके अंदर यह भी लिखा गया है कि जो ट्रस्ट आपका है आपको अलग अलग मसलक से मेंबरान बाहर से बिरादरी के बाहर से अलग अलग मसलक के आप उल्मा ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने जिम्मेदारान बड़े शहर के ले सकते हैं और उनकी निगरानी के अंदर आप लोग साथ में मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमने वाजे तौर पर लिख दिया ताकि कोई तनाजा ना हो। आज हम लोग संगे बुनियाद रख रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि बाकायदा हम लोगों ने गुजारिश की कि जो उर्दू घर जिस शख्स ने तामीर किया, जो कॉन्ट्रेक्टर ने बहुत आला दर्जे का काम उन्होंने किया, वो शख्स जो धुलिया का कॉन्ट्रेक्टर है, हमने उनसे बात की और उसको हमने स्पेशल गुजारिश की कि हमको जो चार दीवारी बनाना है, जो जनाजा हॉल बनाना है, तो बाकायदा हम लोग क्वालिटी का काम चाहते हैं, तो आप वो काम लीजिए। और वो शख्स ने माना और बाकायदा उसको टेंडर। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये आज बनने के बाद इसकी जो जो जरूरत होगी, वो जो जरूरत जो आपको अपने जेब से अदा करना है, वो आप जिम्मेदारान मिलकर आपस में बैठकर, चाहे मस्जिद की जमीन खरीदने का हो, मस्जिद तामीर करने की बात हो, उसका मेंटेनेंस, उसका देखरेख करने की बात हो, या आप लोग अपने तौर पर करें, लेकिन साथ साथ में इसकी सभी जिम्मेदारी हम लोगों की जिम्मेदारी है इस कब्रस्तान को संभालने की, बाकायदा आवाम को यहां पर सहूलत देने की, ये सभी हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आखिर में इस बात का मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारान तो हमारे साथ भाग दौड़ के अंदर शामिल रहे, लेकिन खुसूसी तौर पर फारूक फैजुल्ला, फरीद कुरैशी साहब,
और हमारे इस इलाके के दोनों ही कारपोरेटर और बाकी जिम्मेदारान हम लोगों के साथ, असलम भाई, शकील भाई भी इनके हमारे साथ साथ, और सभी जिम्मेदारान ने मिलकर शेख रशीद साहब की सरपरस्ती के अंदर ये काम को मुकम्मल किया। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि आप लोग हमें अपनी खुशी दुआ में याद रखें।